पिछली बार माइनक्राफ्ट में एक एक बोतल उठा लो सारे के साथ। हमें टाउ की लोकेशन पे जाना है। मतलब वो जगह अगर तेरे और ताऊ की सीक्रेट प्लेस है तो इसका मतलब तू ताऊ को पहले जानता था? वो बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं, अरे जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक कहानी खत्म तो हो ही जाएगी, इसलिए बनता है। चलो तुम इतना कह रहे हो तो बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं और ताऊ इसी गांव में मिले थे। इसी गांव में? हाँ, जो तुमने देखा था अभी। अच्छा, फिर हम दोनों ऐसे दोस्त बन गए। हम लोग साथ में रहते थे, साथ में माइन करने जाते थे, पूरा घूमते थे। मतलब बिना कुछ जाने ऐसे ही दोस्त बन गए बस, मतलब हद है। हाँ कह सकते हो, गजब टू बी वाज आदमी। फिर हम ऐसे घूमते रहे। एक बार हमें वो तुमने देखा होगा सीक्रेट बेस, हाँ वो हमें मिला। हमने उसे अपना अड्डा बना लिया और उसे अपने तरीके से सजा लिया। मेरी और ताऊ की पूरी ऐश और आराम वाली ज़िंदगी चल रही थी। पर हमारे वर्ल्ड में एक दिक्कत थी, वहाँ पे मॉब्स बहुत ज़्यादा स्पॉन होते थे और सबको तंग करते थे। वो तो हर जगह ही होता है, हर वर्ल्ड में यही दिक्कत होती है मॉब्स की। पर हमारे में बहुत ज़्यादा स्पॉन होते थे, लाखों की तादाद में। ओ भाई। फिर मैंने ताऊ को कहा कि वो डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन निकाले वर्ल्ड के बारे में कि स्पॉनर्स कहाँ कहाँ हैं। उसने निकाली और हम लोग गए और स्पॉनर्स पे हमने डीएक्टिवेट कर दिया। और ऐसे करते करते हमने 2-3 स्पॉनर्स डीएक्टिवेट कर दिए। तो मतलब फिर तो हर चीज़ की बड़ी बड़ी लोकेशन बताओगी, कौन सा बायोम कहाँ है, क्या क्या है। सही है, हम लोग गॉड लेवल के बंदे बन चुके थे, हमें सब पता था कौन सी चीज़ कहाँ है। पर हमारे वर्ल्ड में एक और छोटी सी दिक्कत थी, हम कुछ भी माइन करते थे ना वो हमारी इन्वेंट्री में नहीं आता था। इससे मुझे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, पर ताऊ को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये छोटी दिक्कत थोड़ी है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, कोई बंदा माइन कैसे करेगा। इस चीज़ से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ताऊ को बहुत फ़र्क पड़ता था। फिर वो दूसरों के वर्ल्ड में जाने लगा, वहाँ पे माइन करी उसने वहाँ के विलेजेस को लूटा, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ सामान उसकी इन्वेंट्री में नहीं आया। अच्छा, तभी वो उस टाइम आया होगा मेरे विलेज में जब बात हुई थी तब मैंने। हाँ, उसने वहाँ पे भी कुछ तोड़ा होगा पर नहीं आया होगा। जब उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला तो उसे जबरन यहाँ पे वापस आना पड़ा। फिर उसने नेदर पोर्टल में जाने का सोचा, वो नेदर गया वहाँ से, और तुम मानोगे नहीं वहाँ पे वो पूरा वापस आया डायमंड आर्मर में। मेरा तो भाई एक बार भी नेदर नहीं गया अभी तक। वो गया वहाँ पे, उसको शायद नेदरराइट भी मिल गया होगा। एक बार मैंने भी सोचा कि मैं भी जाके देखता हूँ, मस्त प्लान है। पर वहाँ पे मुझे तो कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको मिला तो तुम्हें मिलना चाहिए। फिर वही था, उसे पूछने के लिए मैंने उसे सोचा कि पूछूंगा। फिर हम लोग अगले दिन उठे तो ताऊ वहाँ पे गायब था। मैंने उसे विलेज में चारों तरफ ढूंढा, अपने मेन एरियाज में ढूंढा जहाँ पे हम लोग होते थे। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर एक दिन हो गया और वो कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखा दें। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तब मुझे पता चला कि पुलिस भी ताऊ को ढूंढ रही है। ताऊ ने हैकिंग करके पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। अच्छा, वो जो तुमने स्पॉनर की इन्फॉर्मेशन निकाली थी दोनों ने मिलकर? नहीं, उसने और भी इन्फॉर्मेशन निकाली थी सीक्रेट, जो सिर्फ पुलिस को पता होनी थी। गलत है नहीं, ये तो ऐसे क्या भाई। फिर वो वहाँ से पुलिस का और गाँव का सारा सामान खजाना लेके भाग गया। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचा था। पुलिस मुझसे बहुत पूछताछ कर रही थी कि क्योंकि ताऊ मेरा दोस्त था। तो ऐसे दोस्त बनाओगे तो यही होगा, पुलिस पूछताछ करेगी। तू चुप हो जा, इतनी देर से बोले जा रहा है, पहले सुन ले पूरा। गजब बेइज्जती है। फिर पुलिस ने हमारे सीक्रेट बेस पर सारा सामान ले लिया और पूरा बंद कर दिया। फिर कुछ महीने बाद मैंने पुलिस ज्वाइन करी और ताऊ का केस खुद हैंडल करने का। फिर तो आगे का तुम्हें पता ही है, मैं तुम्हारे वर्ल्ड में आया, ताऊ की पूछताछ करी थी। फिर मुझे ताऊ का पता चला था और मैं उनसे लड़ने गया था, पर वहाँ पे इतनी बड़ी आर्मी थी, मैं अकेला नहीं लड़ पाया, इसलिए तुमको साथ में लाया हूँ इस बार लड़ने के लिए। दोनों ना पिट जाए इस बार, देखते हैं। एक्चुअली मुझे ना एक बात बतानी है, मतलब ये कहानी सुन के मुझे एक बात याद आई। बोलो। कि ताऊ जब मेरे वर्ल्ड में आया था ना, तो मैंने उसको देखा था माइनिंग करते हुए, माइन कर रहा था, और फिर मैंने उसको भगा दिया था। मैंने कहा था कि निकल यहाँ से। मुझे ना इन चक्रों में पढ़ना नहीं होता था, इसलिए मैंने बताया नहीं। कोई नहीं, अब हमें ताऊ का पता चल ही चुका है। अरे विलेज क्राफ्टिंग टेबल बाहर लगी हुई है। नहीं इधर खाली पड़े हैं सारे के सारे विलेज। विलेजेस को मार दिया ना।
पम्पकिन उग रहा है यहाँ पे। कितनी दूर हो रहा है वैसे कैसल? बहुत टाइम हो गया। पास पास में ही है विलेज के इधर। हाँ आ गया। ये पहाड़ चढ़ लो। फंस गया। इधर से रास्ता, इधर से पहुंच गया। इधर इधर। हाँ कूद ही नहीं रहा। चलो भाई आगे। क्या बढ़िया विलेज है। ओ गिरा। देखो टाउन का कैसल बहुत बढ़िया बना रखा है इसने तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।